नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सबके ही शंका समाधान करने के लिए। प्रिय दर्शकों, पूर्व के एक कार्यक्रम में मैंने वाणी दोष को दूर करने के लिए शंख का एक अद्भुत चमत्कार बताया था। उस प्रयोग में कुछ लोगों को शंका हो रही है, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि शंख का चयन कौन सा करें। बस इतना ही उस कार्यक्रम में शंका हो रहा है, लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। उन लोगों का मात्र इतना ही प्रश्न बन रहा है कि हम शंख का चयन कौन सा करें। मार्केट में, बाजार में बहुत प्रकार के शंख उपलब्ध हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस शंका का भी समाधान कर दे रहा हूँ। आप वाणी दोष को दूर करने के लिए जो मैंने उपाय बताया है, जो प्रयोग बताया है, वह यथावत रहेगा। उसी प्रकार से आपको करना है। आप उसमें भी एक बात जोड़ लीजिए कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र नहीं करना है। यानी शंख में आपने जल भर दिया और तुरंत शंख से जल लेकर आपको वह जल नहीं पीना है, उसके लिए आपको थोड़ा प्रतीक्षा करना है। यानी शंख में कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए जल भरकर रखना आवश्यक है, उसके बाद ही वह जल का पान आप कीजिएगा। अब बात ये रहा कि कौन सा शंख हम लें इस प्रयोग को करने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आपने बाजार में बहुत प्रकार के शंख देखे होंगे, तो उनमें से पूजन वाला शंख आपको लेना है। अब पूजन वाला शंख कौन सा होता है, कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पूजा करते समय जिस शंख से हम शंख ध्वनि करते हैं, वह शंख पूजन वाला शंख नहीं होता है। वह पूजा में शंख ध्वनि करने के लिए होता है। इस शंख का प्रयोग नहीं करना है वाणी दोष को दूर करने के लिए। वह शंख पूजन वाला होता है, लेकिन शंख ध्वनि वाले शंख में हम जहाँ से फूंक देते हैं, जहाँ से हम फूंक मारते हैं शंख को बजाने के लिए, वहाँ का मुख खुला हुआ होता है। लेकिन प्रयोग के लिए आपको जो शंख लेना है, उस शंख का मुख बंद होगा। वहाँ से आप फूंक नहीं मार सकते हैं। और उस शंख में जब आप जल भरिएगा, तो उस मार्ग से जल बाहर भी नहीं आएगा। यानी जहाँ से हम फूंक मारते हैं शंख में, वह स्थान, वह भाग बंद होगा, जो पूजा वाला शंख होगा, जो पूजन वाला शंख होगा। वह दक्षिणावर्ती शंख लेना है और उस शंख का मुख बंद होता है। उस शंख में आप कुछ समय के लिए, 2-3-4-5 घंटे के लिए, या आप सुबह जल भरिए, शाम को उस जल को पीजिए, या आप शाम को जल भरिए, सुबह को उस जल को पीजिए, कम से कम इतना समय आप जल को उस शंख में रख कर पीजिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, और आपको यह ध्यान रखना है कि आप पूजन वाला शंख लीजिएगा, जो दक्षिणावर्ती शंख है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस कार्यक्रम को देखकर उस प्रयोग में आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होगा। यदि इसके बावजूद भी आपके मन में कोई प्रश्न बन रहा है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।